नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के बारे में। पहले ये समझ लें कि शुक्र शुभ कैसे होता है। देखिए, इस कलयुग में राहु के बाद जातक को जो ग्रह सबसे अधिक लाभ देता है वो है शुक्र। शुक्र भी राहु का गुरु है, दैत्य गुरु है। शुक्र, राहु, शनि एक ही कैटेगरी के ग्रह हैं, मित्र ग्रह हैं। जो शुक्र है, आसमान में अगर हम देखें सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे सुंदर ग्रह है और हीरे की भांति चमकता है। इसलिए शुक्र का जो रतन है वो भी हीरा है। जिनकी वृषभ लगन है, तुला लगन है, मकर लगन है, कुंभ लगन है, वो हीरा धारण कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरी बहनें जिनकी क्षमता है वो तो अवश्य ही धारण करें जिनका ये वाला लगन है। अब देखिए, शुक्र की जो अपनी राशि है वृषभ राशि और तुला राशि। तुला राशि ही शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है और शुक्र की उच्च राशि है मीन राशि। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जो शुक्र है, दैत्य गुरु है, वो देव गुरु बृहस्पति की राशि में उच्च का होता है। यानी जब शुक्र उच्च का होता है तो जातक के पास सुख के सभी साधन होंगे, इज्जत मान सम्मान उम्दा होगा सोसाइटी में। लेकिन गुरु के घर में है तो जातक को बदनामी से बचाएगा और ज्ञानवान बुद्धिमान बनाएगा। तो ये तो हो गई अपनी राशि और उच्च राशि की बात। अब देखिए मित्र राशियां कौन सी हैं शुक्र की। शनि की राशि 11वीं कुंभ, 10वीं मकर। इनमें शुक्र महाराज बहुत खुश रहते हैं। और बुध की राशि मिथुन, कन्या में नीच के हो जाते हैं। बुध की जो राशि है ना कन्या, इसमें शुक्र महाराज नीच के हो जाते हैं। मिथुन में तटस्थ, ना ही बहुत अच्छा फल ना ही बहुत बुरा फल, क्योंकि बुद्धि का कारक है बुध। शुक्र बुद्धि का इतना उपयोग नहीं करते। जिनका शुक्र स्ट्रोंग होता भाई, वो तो सुख के साधन जुटाने में लगे रहते हैं। तरीका कोई भी अपनाना पड़े, कानूनी गैर कानूनी, बाय हुक बाय क्रुक, उनको तो सुख चाहिए। इसके अलावा जो शुक्र प्रधान व्यक्ति होते हैं, या ऐसा कह लीजिए जिनकी कुंडली में शुक्र मजबूत होता है, वो अपने पैसों से और जो उनका रुतबा होता है समाज में उसके कारण, जो उनके यार दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, उनको पूरी ऐश करवाते हैं, पूरी मौज करवाते हैं। यानी शुक्र ऐसा ग्रह नहीं है कि सेल्फिश हो, दिखावा पसंद है शुक्र को। शुक्र प्रधान व्यक्तियों को दिखावा थोड़ा कम करना चाहिए। स्त्री ग्रह स्त्रियों की गणना में आता है। अगर हम बात करें पुरुष और स्त्री,
प्रकृति थोड़ी स्त्रियों जैसी है तो स्त्री ग्रह कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि जातक की जन्म कुंडली में प्रत्येक भाव में शुक्र क्या चमत्कार दिखाता है और किस भाव में शुक्र विराजमान हो तो किस उम्र में जातक का भाग्य जातक का पूर्ण रूप से साथ देना शुरू कर देता है, यानी उस उम्र के बाद बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, समाज में इज्जत मान सम्मान भी बढ़ेगा और भौतिक सुख की सभी वस्तुएं प्राप्त होगी। शुक्र जातक को वो वस्तुएं देता है जिनसे ऋषि मुनि तपस्वी बहुत ही पहुंचे हुए लोग जिनका परमात्मा से सीधा संबंध है वो जिन चीजों से नफरत करते हैं जिन चीजों से दूर भागते हैं शुक्र वो चीजें जातक को देता है। सेक्स का सुख देता है, अच्छी गाड़ी का सुख देता है, एयर कंडीशन्ड कंफर्ट जोन में रखेगा जातक को, मन में रोमांटिक भावनाएं, एक से अधिक पुरुष या स्त्रियों से संबंध, इस तरह के सुख जातक को देता है। दूसरे का धन, बिना कमाया धन, इस तरह के सभी सुख जातक को शुक्र देता है। देखिए प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। पहले भाव में शुक्र हो तो भाई जातक अपनी मैरिज के बाद विवाह के बाद जीवन में बहुत सफलता हासिल करता है। जातक जो भी कार्य करता है ना उसके कार्य करने का ढंग ऐसा होता है कि जातक बहुत सुंदर लगता है कार्य करता हुआ। किसी से बात भी करेगा तो एक अलग ही आवा होगी, अलग ही छाप होगी, यानी दूसरे को उससे बात कर सुख महसूस होगा। जो जवानी में है उनको मजा आएगा उससे बात कर। इसके अलावा जातक के पास इतना धन होता है कि वो इंडिपेंडेंट हो, यानी किसी पर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं होती अगर शुक्र शुभ हो। विपरीत लिंग के लोगों की ओर जातक अट्रैक्ट होता है और विपरीत लिंग के लोग भी जातक की तरफ आकर्षित होते हैं। इसके अलावा पहले समय में चिट्ठियां लिखी जाती थी तो जिनका शुक्र पहले भाव में होता था वो इस तरह से लेटर लिखते थे कि जब दूसरा पढ़ता था उसके दिमाग में आंखों के सामने जैसे फिल्म चलती है ना वो चलने लग जाती थी, यानी लिखने का स्टाइल इनका बहुत उम्दा होता है। अपनी बात दूसरों के सामने रखने का जो ढंग है बहुत उम्दा होता है। अपने जो पेशा है अपने भाग्य के कारण कह लीजिए, अपने गुणों के कारण कह लीजिए, उसमें बहुत तरक्की करते हैं। अशुभ प्रभाव में ना हो तो चार्मिंग नेचर होती है, खुश रहते हैं, जीवन को खुलकर जीने वाले होते हैं। ग्लैमर का जो वर्ड है जैसे एक्टिंग होगी, गाना बजाना हो गया, डांस हो गया, इस क्षेत्र में भी भाई बहुत सफलता हासिल करते हैं अगर शुभ शुक्र लगन में विराजमान हो। इसके अलावा 27 वर्ष की आयु में और उसके बाद इनके पास सभी सुख होते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू हो जाता है, समाज में इज्जत मान सम्मान बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर कोई समस्या आती है तो खराब दशा अंतर दशा के कारण आएगी और वो
टेम्परेरी होगी। तो भाई लग्न का शुक्र शुभ हो तो जातक के जो नयन नक्श होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, जातक रूपवान होता है। और जो जाति का होती हैं मेरी बहनें हैं, उनके नयन नक्श बहुत तीक्ष्ण होते हैं, जैसे तीखे होते हैं और बहुत खुश रहती हैं। और अगर किसी से हंसकर बात कर ले तो दूसरा बंदा ऐसे कह लो कि उनके वश में हो जाता है। किसी से भी काम निकलवाना हो उससे हंसकर बात कर ले, आपका काम 100% हो जाएगा। लेकिन एक सलाह देना चाहता हूं कि भाई अपना करैक्टर अच्छा रखें। देखिए शादी से पहले कुछ भी हो गया, शादी के बाद जो आपका धर्म है, पति धर्म है जो, उसको अच्छी तरह से निभाएं, ईमानदारी से निभाएं, तो आपके अच्छे कर्मों में वृद्धि होगी, अच्छे कर्मों में क्रेडिट होगा। नहीं तो देखिए ये संसार में ये जो सुख है, शारीरिक सुख, ये क्षणिक होते हैं। और हमारे बुरे कर्मों में बहुत इजाफा करते हैं, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। पुरुषों की कुंडलियों में रूपवान होने के साथ साथ जातक का जो स्वभाव होता है थोड़ा मजाकिया स्वभाव होता है, लेकिन समझदार होते हैं, क्योंकि जो शुक्र है वो दैत्य गुरु है। इसके अलावा कैलकुलेशन अच्छी होती है, जीवन की जो प्लानिंग है बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, कला के प्रेमी होते हैं, संगीत सुनने का शौक होता है। अगर भाई शुक्र शुभ प्रभाव में हो तो भाग्य जातक की तरक्की में थोड़ी बिगड़ बाधाएं डालता है, मगर आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक बार असफल हो गए तो दूसरी बार फिर कोशिश कीजिए, आपको सफलता मिल जाएगी। इसके अलावा अशुभ प्रभाव में शुक्र हो तो माता पिता और पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रह सकता है। और जातक का जो जीवन साथी होता है, खासतौर पर पुरुषों की पत्नी, उसका जो स्वभाव होता है वो थोड़ा कलह पूर्ण होता है, जैसे छोटी सी बात को बहुत बड़ी बना लेना। तो भाई आप थोड़ी एडजस्टमेंट कर ले, थोड़ा झुक जाए तो ये भी आपको आपकी पत्नी भी समझ जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है, शुगर है, तो समय समय पर शुगर का आप टेस्ट करवाते रहे, मधुमेह का टेस्ट करवाते रहे। और वैसे भी इस बीमारी के जितने परहेज होते हैं वो जवानी से ही करते रहे तो आपके लिए उत्तम होगा। सेक्स की कोई प्रॉब्लम आ जाए जीवन में तो वो साइकोलॉजिकल होगी, यानी सोच के कारण होगी या अधिक सेक्स करने के कारण होगी। सेक्स में संयम रखें और अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, अगर शुभ शुभ करो तो समस्या बहुत जल्दी भाई खत्म हो जाएगी। दूसरे भाव पर आते हैं, दूसरे भाव में शुक्र क्या चमत्कार दिखाते हैं। अगर शुभ हो तो भाई जातक के पास प्रॉपर्टी, फ्लैट, प्लॉट, जमीन जायदाद बहुत अच्छी होती है। और जो उसके पास प्रॉपर्टी होती है वो इस तरह की होती है कि कभी भी उसको बेचकर धन कमा सके, यानी
कैश में कन्वर्ट कभी भी कर सके, इस तरह की प्रॉपर्टी होती है। 48 वर्ष की आयु के बाद जातक बहुत तरक्की करता है, और ऐसा देखा गया दूसरे भाव में शुभ शुक्रो, तो भाई जातक का जन्म एक अमीर घर में होता है, या उसके जन्म के बाद घर में अमीरी आनी शुरू हो जाती है। जातक अच्छा लेखक होता है, ये जो YouTube पर ब्लॉग वगैरह डालते हैं उनकी कुंडली में भी दूसरे भाव में अच्छा शुक्र देखा गया है। बाकी जो दूसरा भाव है वाणी का कारक है, वाणी तो भाई बहुत मधुर होती है, तो बड़ी बड़ी स्टेजों को संभाल सकते हैं, लोगों को सम्मोहित कर सकते हैं। खाने पीने का भाव है, अगर इनका कोई होटल हो उसमें बहुत तरक्की करेंगे। अगर खुद वो शेफ हो तो बहुत बड़े लेवल पर होंगे, कुकिंग ऐसी करेंगे कि बहुत लाजवाब स्वाद होगा उसका। इसके अलावा खाने पीने के शौकीन होंगे, और खाने पीने के जो बिजनेस है उनसे भी जातक को लाभ होगा। दूसरे शुक्र शुभ हो तो दवाइयों का काम हो गया, कपड़ों का काम हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो गया, या वो काम क्योंकि फैमिली का है जो पुश्तैनी चल रहा हो उसमें जातक को बहुत लाभ होगा। शुभ प्रभाव में ऐसा देखा गया है भाई, शुक्र दूसरे भाव में हो तो जातक के एक से अधिक कार्य होते हैं, इसलिए जो उसके इनकम के सोर्स होते हैं, इनकम के साधन होते हैं, वो एक से अधिक होते हैं। शुभ हो तो जातक खूबसूरत भी होता है, समझदार भी होता है, अपने धन का उपयोग समाज सेवा में, सामाजिक कार्यों में करता है, जिसके कारण समाज में उसकी अलग ही छाप होती है। इसके अलावा दूसरे भाव में हो तो अच्छे कपड़े पहनने का शौकीन होता है, और जातक का जीवन साथी भी सुंदर होता है। इसके अलावा अगर भाई जो मेरी बहने हैं उनके दूसरे भाव में शुक्र हो, अगर वो ब्यूटी पार्लर का कार्य कर ले, थोड़ी सी मेहनत करके आप ब्यूटी पार्लर का कार्य सीख ले और फिर एडवर्टाइजमेंट अच्छी करें, दिखावा अच्छा करें, तो आप बहुत कामयाब हो सकती हैं ब्यूटी पार्लर के कार्य में। अगर भाई दूसरे भाव में शुक्र शुभ प्रभाव में हो तो चरित्र आप अच्छा रखिए, जिस दिन से आपका करैक्टर खराब हो गया उस दिन से आपका डाउनफॉल आना भाई शुरू हो जाएगा। खास तौर पर जो पुरुष है विधवा स्त्री से संबंध ना बनाए, और मेरे भाई हैं या बहने हैं वो पर पुरुष या पर स्त्री से कोई अवैध संबंध ना बनाए, मन को समझाएं। इसके अलावा कोई गैर कानूनी कार्य ना करें, अगर भाई फंस गए तो जितना आपने अब तक कमाया है उससे कई गुना पैसा निकल जाएगा, अगर आपका शुक्र अशुभ दूसरे भाव में विराजमान हो। तीसरे भाव पर आते हैं, तीसरे भाव में भाई शुभ शुक्र हो तो जातक की जो मनोकामनाएं होती हैं बहुत ही अधिक होती हैं, और अगर मान लीजिए 10 मनोकामनाएं हैं तो 6 पूर्ण हो जाएंगी, 4 पूर्ण नहीं होंगी। अगर वो 4 पूर्ण करनी है तो थोड़ी स्ट्रगल
संघर्ष करना पड़ेगा। इसके अलावा 38 वर्ष की आयु के बाद जातक अपने आप को ये समझेगा कि अब मेरी हैसियत है समाज में, अब मैं स्टेबल हूं। तीसरे भाव में शुभ शुक करो तो सेल्स की लाइन में, मार्केटिंग की लाइन में, जो प्रिंट मीडिया है, अखबार में आर्टिकल वगैरह लिखते हैं, या अखबार वाले किसी की इंटरव्यू करते हैं, या जो सर्वे करते हैं, जैसे अब इलेक्शन का समय है, जो ओपिनियन पोल होते हैं उसकी सर्वे करते हैं, या इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, उसके लिए शुभ शुक्र तीसरे भाव में बहुत अच्छा। जो ये हमारे FM है, रेडियो वगैरह, इसमें जो स्टेज संभालते हैं, वहां पर स्टेज तो नहीं, जो एंकर वगैरह होते हैं, उनकी कुंडलियों में भी शुभ शुक्र होता है तीसरे भाव में। इसके अलावा तीसरे भाव में शुक्र हो तो जातक में संघर्षों के कारण थोड़ा धार्मिक भावना आ जाएगी, ईश्वर की ओर जाएगा, और अच्छा भी है। जब आप स्ट्रगल कर रहे हो, प्रवचन सुनिए जो संत महापुरुष आपको अच्छे लग रहे हो उनके, और प्राणायाम वगैरह कीजिए तो आपको बहुत लाभ होगा, बहुत आसानी से आप स्ट्रगल कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी आप लोगों की मदद करेंगे उतनी समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आपकी मैरिज में, विवाह में थोड़ी विघ्न बाधाएं आए, शुक्र तीसरे भाव में हो तो ये भाई अच्छा है। आपका जो जीवन साथी होगा उसमें मैं की भावना होगी कि मेरी चले, जो मैंने कह दिया वो काम होना चाहिए, नहीं तो उसका मूड खराब हो जाएगा। तो भाई उसका जो ईगो है, जो अहंकार है, उसको सेटिस्फाई करना भी आवश्यक होगा, क्योंकि अगर गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं होगा आपका तो कार्य क्षेत्र पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इसके अलावा शुभ शुक्रो आप लोकप्रिय होंगे, उच्च शिक्षा के लिए भी अच्छा योग है, यात्रा का भाव है, शुभ हो तो यात्रा से लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा आपका जो स्वास्थ्य है अच्छा रहेगा, अगर रोग आएंगे भी तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, अगर शुभ हो शुक्र। अगर भाई अशुभ प्रभाव में हो तीसरे भाव में तो दिल करेगा कि इससे मैं झगड़ा कर लूं, गुस्सा बहुत आएगा दूसरे पर, तो आपने झगड़ा नहीं करना, ऐसी रेपुटेशन नहीं बनानी समाज में कि लोग कहें कि ये झगड़ालू है, कलह प्रिय है। इसके अलावा आलसी नहीं बनना, ये नहीं कि अब गर्मियों का समय आएगा कि दोपहर के समय एसी कमरे में बैठे हैं और जो आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं उसको छोड़कर बैठे हैं, इससे आपको नुकसान होगा अगर अशुभ प्रभाव में होगा। धन का और समय का उपयोग कीजिए अच्छे कार्यों पर, इनको बर्बाद ना कीजिए। समय भी आपके लिए धन है, अगर उल्टे सीधे कार्यों में समय बर्बाद कर दिया तो भाई भाग्य आपका साथ नहीं देगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ऐसे कार्य जो आपको दिल को संतुष्ट करते हो, ऐसे कार्य नहीं करने कि जिसका कोई लाभ नहीं है,
सिर्फ मन बहलाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनसे दूर रहिए तो आप जीवन में कामयाबी हासिल करेंगे। चौथे भाव में भाई शुक्र हो, तो चौथे भाव में शुक्र हो, चौथा भाव में सुख का भाव है, तो शुभ प्रभाव में शुक्र हो, तो ऐसा देखा गया है कि जातक के जो जीवन है वो स्मूथ चलता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती जातक के जीवन में अगर शुभ प्रभाव में हो। भाई बहन, रिश्तेदार जातक की मदद करते हैं, इमोशनली भी और धन से भी जो जातक को जरूरत होती है जातक की मदद करते हैं। 28वें वर्ष से जातक की तरक्की होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा शुभ शुक्र चौथे भाव में हो तो जातक को अपने माता पिता की और अपने जीवन साथी की पूर्ण सपोर्ट मिलती है। जीवन साथी कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। इसके अलावा शुभ शुक्र जातक को लग्जरियस लाइफ देता है, यानी कि समाज में जातक एक हाई क्लास का बंदा होता है कि लोग कहते हैं कि भाई ये तो बड़े लोग हैं, इस तरह का बंदा बना देता है अगर शुभ शुक्र चौथे भाव में हो। और एक बात और है, चौथे भाव में शुक्र शुभ हो तो भाई लड़की संतान अगर होगी आपके पास या दो लड़कियां हो तो बहुत अच्छा है, ये आपके भाग्य को चमकाएंगी। और 28वें वर्ष के बाद तो बहुत ही तरक्की करवाएंगी, जैसे मैंने बताया। आपकी जो जीवन साथी होगा अट्रैक्टिव होगा, यानी कि गुणवान भी होगा और रूपवान भी होगा। इसके अलावा चौथे भाव में शुभ शुक्र हो तो जो स्त्री रिश्तेदार होते हैं, माता, दादी, पत्नी, इनके साथ एक अलग ही बॉन्ड होगा, अलग ही बंधन होगा, अलग ही प्यार होगा। जातक अपने जीवन साथी पर बहुत डिपेंड रहेगा क्योंकि एक दूसरे का बहुत करेंगे। शुभ शुक्र चौथे भाव में हो तो भाई जातक पैतृक धन अच्छी मात्रा में प्राप्त करता है और एजुकेशन के लिए भी अच्छा देखा गया है। जो डेंटल सर्जन्स होते हैं उनकी कुंडली में चौथे भाव में मजबूत शुक्र देखा गया है। इसके अलावा मकान, जमीन, जायदाद, वाहन का भाव है, इसका पूर्ण सुख मिलेगा आपको क्योंकि शुक्र कार की गाड़ियों का है, अच्छी गाड़ियां मिलेगी, अच्छा घर होगा, सुंदर घर होगा। अगर भाई अशुभ शुक्र तो आपको जो आपके माता पिता या रिश्तेदार है उनके साथ वैचारिक मतभेद नहीं रखना, कोई बहसबाजी नहीं करनी, नहीं तो आप टेंशन में रहेंगे। नशा नहीं करना अगर शुभ प्रभाव में हो, नशे के आप बहुत जल्दी आदि हो जाएंगे और पहले दिखावे के कारण नशा। एक बात और देखिए कि शुक्र चौथे भाव में हो जो शराब वगैरह पीते हैं, कल्चर भाई बहुत बदल गया है, हम तो इतने बड़े लोग नहीं है, तो आजकल तो मेरी बहनें भी नशा करने लग गई हैं। कई बार मौका मिलता है कुछ बड़े व्यक्तियों की शादी में जाने का, तो शरेआम शराब पीकर उनको होश नहीं रहती। अगर चौथे भाव में शुक्र हो तो भाई इन सभी बातों से परहेज करना है आपको, नहीं तो आप बुरे फंसोगे।
और नशे के आदि तो होंगे ही। समाज में आपकी जो इज्जत मान है उसमें बहुत डाउनफॉल आएगा। एक मर्यादा में रहें। खास तौर पर मैं अपनी बहनों को कहना चाहता हूं कि हमारा जो भारतीय समाज है, जो पहले था, बहुत अच्छी मर्यादा थी, तो उस मर्यादा को जहां तक हो सके बरकरार रखें। अशुभ शुक करो तो मीट वगैरह, मांस वगैरह अगर इसका उपयोग करोगे तो भाई आपका जो वैवाहिक जीवन होगा, गृहस्थ जीवन होगा, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी और पार पुरुष पार स्त्री बहुत आएंगे आपकी लाइफ में, लेकिन मन की बात नहीं माननी। सॉरी, मन को अपने वश में रखना है। पार स्त्री पार पुरुष के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना, उनके सामने कोई दिखावा वगैरह बिल्कुल नहीं करना। आगे चलते हैं। पंचम भाव में शुक्र महाराज विराजमान हो। देखिए, पंचम भाव में शुक्र विराजमान हो, शुभ हो, तो अगर आपको लव मैरिज करवानी है करवा सकते हैं। अपने पेरेंट्स की कंसेंट लीजिए, उनको राजी कीजिए, वो राजी हो जाएंगे। और प्रेम विवाह कीजिए, मगर ऐसा कीजिए कि अरेंज्ड मैरिज लगे, यानी पूरी रीति रिवाज पूरे लोगों के सामने एक बहुत ही डिसेंट वे से अच्छे ढंग से कीजिए। पंचम भाव में शुभ शुक्र जातक को शक्तियां देता है, अच्छी पोजीशन देता है, और 22वें वर्ष से ही जातक बहुत तरक्की करनी शुरू कर देता है। इसके अलावा जो उसका कार्य क्षेत्र होगा, पेशा होगा, उसमें जातक का एक नाम होगा, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का है। बुद्धि बहुत क्रिएटिव होगी, नए नए कार्य करेगी, कार्य करने का ढंग दूसरों से अलग ही होगा, और जातक अपने जीवन में सफलता हासिल करेगा। शुभ शुक्र जातक को इतना दे देता है कि पैसे गिनने मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन शुभ प्रभाव में होना चाहिए, अकेला नहीं होना चाहिए अगर कोई ग्रह साथ हो। इसके अलावा जो ग्लैमर है, आपका एक्टिंग हो गया, गाना बजाना हो गया, इस क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, या सॉरी मॉडलिंग होगी, एडवर्टाइजमेंट होगी, इस क्षेत्र में भाई आप बहुत तरक्की हासिल करोगे। इसके अलावा आपके जो अफेयर्स होंगे, अगर आप पुरुष हैं तो इस तरह की महिलाओं से संबंध होंगे जो बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, देखने में बहुत सुंदर लगती हैं, और अगर महिलाएं होंगी तो इस तरह के पुरुषों से संबंध होंगे जो स्मार्ट होंगे, पावरफुल होंगे, लेकिन एक लिमिट में रहेंगे, तो आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा अगर लिखने का शौक है, कविता वगैरह, शेर वगैरह, जब पेंटिंग वगैरह का शौक है, इस क्षेत्र में भी आपको बहुत सफलता मिलेगी और एक्टिंग में भी बहुत सफलता मिलेगी। पंचम भाव में शुक्र बहुत अच्छा फल देता देखा गया है। 22वें वर्ष से ही जातक तरक्की करनी शुरू कर देता है। पंचम भाव में भाई शुभ शुक्र हो तो सरकारी सेवा में भी जातक अच्छा स्थान प्राप्त करने में समर्थ होता है, और अगर दशमेश की पोजीशन इतनी अच्छी ना हो तो व्यापार के क्षेत्र में बहुत तरक्की करता है।
इसके अलावा दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहता है, लेकिन अगर अशुभ प्रभावों में शुक्र आ जाए तो भाई परिवार के लिए थोड़ा कष्टदायक होता है, यानी थोड़ा लड़ाई झगड़ा सा रहता है परिवार के सदस्यों के साथ। और जातक के पास जो धन संपत्ति होती है, खुद की हो पैतृक हो, उसको जल्दी बेच देता है, सेल कर देता है, यानी उसको खत्म कर देता है। और कई बार ऐसे कार्य हो जाते हैं कि जातक की बदनामी हो जाती है, जातक हो या जाति का बदनामी हो जाती है अपने करैक्टर के कारण, यानी अपने आप में संयम रखें। एक बार बदनामी हो गई, कई कुंडलियां आती हैं जातक की बदनामी हो जाती है, तो इसका असर आपके जो बच्चे हैं उनकी शादी पर भी पड़ता देखा गया है। तो थोड़ा ध्यान रखें अगर शुक्र पीड़ित तो। इसके अलावा मित्रों से बचकर रहे, और जो आपका जीवन साथी है सिर्फ उसी के साथ संबंध बनाए। शादी से पहले अगर आपने किसी से संबंध हो आपके, क्योंकि पंचम भाव में शुभ शुक्र हो तो आपके इमोशनल संबंध इतने नहीं होंगे जितने फिजिकल होंगे, शारीरिक संतुष्टि के लिए आप अधिक संबंध बनाएंगे। शादी के पहले जो संबंध थे शादी के बाद उसको उभरने मत दीजिए, वरना भाई बहुत बदनामी होने का खतरा है। इसके अलावा छठे भाव में शुक्र हो, शुभ शुक्र हो। देखिए बारहवां भाव शुक्र का प्रिय भाव है, छठे भाव में शुक्र होगा तो बारहवें भाव पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। शुभ शुक्र छठे भाव में हो तो जातक को पालतू पशु रखने का बहुत शौक होगा। जो मेरे भाई गांव में रहते हैं दूध देने वाले पशु रखेंगे, और जो शहरों में रहते हैं कुत्ता पाल लेंगे, बिल्ली वगैरह पाल लेंगे, इस तरह के शौक होंगे। धनवान होंगे, धन की कमी के कारण जातक का कोई कार्य नहीं रुकेगा। साम दाम दंड भेद सभी का उपयोग करना आता होगा, इसलिए राजनीति के क्षेत्र में बहुत सफल होंगे। जीवन साथी सुंदर होगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा अगर शुक्र शुभ हो। अगर भाई शुक्र शुभ आपका छठे भाव में पड़ा हो तो थोड़ा 45 साल की उम्र के बाद, 45 इयर्स के बाद आप ये महसूस करोगे कि अब धीरे धीरे मैं स्टेबल हो रहा हूँ, कमी पहले भी नहीं होगी किसी चीज की, लेकिन संतुष्टि आनी शुरू हो जाएगी। तो शुभ प्रभाव में हो तो जातक अपने जीवन साथी से खुश नहीं होगा, जो गुण चाहता होगा जीवन साथी से वो गुण नहीं मिलेंगे। इसका एक कारण ये भी होगा कि पैसों के मामले में जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, जिसके कारण भी गृहस्थ जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर शुभ प्रभाव में हो तो भाई कम से कम लोन लें, कम से कम कर्जा लें, वरना कोर्ट केस आपके हो सकते हैं। और प्रॉपर्टी भी बैंक आपकी अटैच कर सकता है, इस बात का ध्यान रखें। कोई गैर कानूनी कार्य नहीं करना, जो बड़े बड़े स्कैंडल्स करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं कि तुम्हारा पैसा दुगना कर देंगे, फिर पैसा लेकर भाग जाते हैं। भाई आप थोड़े अमीर तो हो जाओगे लेकिन मानसिक शांति पूरी भंग हो जाएगी,
जिसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा और ना कुछ खा सकोगे ढंग से, ना कहीं जा सकोगे ढंग से, जानी जीवन जहीं पर नरक बन जाएगा। अशुभ शुक्र पड़ाओ तो अपनी जवानी में आप ध्यान करना आरंभ कर दीजिए तो आगे चलकर भी आपका जो मानसिक शांति है, पीस ऑफ माइंड है, वो बना रहेगा। अगले भाव पर आते हैं, सप्तम भाव में शुक्र हो। सॉरी भाई, एक बात मैं हर वीडियो में बताता हूँ और मुझे बहुत जरूरी लगती है, इसलिए बताता हूँ जो भी मैं वीडियो शुक्र पर बनाता हूँ कि सप्तम भाव में शुक्र अपनी राशि का हो, दूसरी राशि या सप्तम राशि, और अकेला हो, इस पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो। तो जातक जिनकी अभी शादी नहीं हुई, वो इस तरह के जातक या जातिका से शादी करें जिसका सप्तम भाव बहुत मजबूत हो, और जिनकी शादी हो चुकी है, अगर जीवन साथी से झगड़ा रहता है या जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहता है, यानी कि दाम्पत्य सुख में बहुत कमी आ रही है, तो उसी जीवन साथी से आप रीमैरिज कर लें, दोबारा शादी कर लें, तो इससे आपका गृहस्थ जीवन अच्छा हो जाएगा। वैसे शुभ शुक्र सप्तम भाव में बहुत अच्छा फल देता है, जातक की अच्छी नेचर होती है और उसका जो उसमें से वाइब्स निकलती हैं वो भाई चुंबकीय होती हैं, दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, जीवन साथी से प्यार होता है। और सप्तम भाव में शुक्र विराजमान हो तो अगर प्रेम विवाह जातक कर ले, शुक्र शुभ हो, तो उसमें भी लाभ होता है। लेकिन प्रेम विवाह अपने रिश्तेदारों की, माता पिता की इजाजत से करें और बहुत आसानी से आपको इजाजत मिल जाएगी। 25 वर्ष की आयु से आप जीवन में तरक्की करना शुरू कर दोगे। पार्टनरशिप में, साझेदारी में अच्छा लाभ होगा अगर शुभ शुक्र हो। जातक का जीवन साथी भी उसके कार्य में बहुत हेल्प करेगा, या खुद कमाई करता होगा, उसकी अच्छी आमदनी होगी। इसके अलावा सप्तम भाव में शुक्र हो तो जीवन साथी बहुत आत्मविश्वास वाला होता है, और विवाह के बाद जातक के पास पैसों की कोई कमी नहीं रहती, धीरे धीरे पैसा बढ़ता ही रहता है, और अपने कैरियर में भी जातक तरक्की करता रहता है। सप्तम भाव में शुभ शुक्र हो तो उसके पिता के लिए भी अच्छा है। ऐसे व्यक्ति जो भी व्यापार करते हैं सफल होते हैं, और घर धन से बड़ा रहता है। अगर कोई बड़ी मुसीबत आ जाए तो आएगी और चली जाएगी, चिंता बिल्कुल नहीं करनी, खुश रहना है। मुसीबत में जितना अधिक खुश रहोगे, मुसीबत उतनी ही जल्दी आपकी चली जाएगी। अगर भाई अशुभ प्रभाव में शुक्र हो तो दूसरी स्त्री या पुरुष के साथ संबंध होते हैं, और इसका एक कारण ये होता है कि तमा बहुत होती है कि मैं इसके साथ संबंध बना लूं, मुझे पैसा मिल जाए, या इसके सहारे मैं अपने कार्य करवा लूं, या कोई लाभ होता है जिसके कारण जातक या जातिका अपने जीवन साथी को धोखे में रखकर दूसरे से संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। अगर शुक्र अशुभ हो जिसके कारण
गुप्त रोग और गुप्त अंगों के रोग होने की संभावना भाई बहुत बढ़ जाती है। आगे चलते हैं अष्टम भाव में शुक्र हो, तो अष्टम भाव में शुक्र हो बहुत सी कुंडलियां मैंने देखी हैं कि बिना कमाया धन जातक को प्राप्त होता है और ससुराल पक्ष से धन प्राप्त होता है। देर सवेर थोड़ी हो सकती है लेकिन धन का लाभ अच्छा होता है। 40 वर्ष की आयु के बाद जब 41वां वर्ष शुरू होगा जातक बहुत तरक्की करनी शुरू कर देता है, यानी समाज में उसकी एक अलग ही छाप होती है। इसके अलावा शुभ शुक्र अष्टम भाव में हो, आयु का भाव है, जातक की अच्छी आयु होती है, राजाओं के जैसा जीवन होता है, या तो अपने पिता के कारण या ससुराल के कारण सभी सुख मिलते हैं जातक को और पैतृक धन संपत्ति लॉटरी वगैरह से या इस तरह से धन का लाभ होगा जहां उम्मीद ना हो, वसीयत से किसी की मृत्यु के बाद इस तरह के लाभ होते रहेंगे। अष्टम भाव में शुक्र हो तो जातक को गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है और उसका मूड बहुत वाइब्रेट करता है कि एक ही क्षण में खुश हो गए अगले ही क्षण में दुखी हो गए। एक ही क्षण में एक बंदा बहुत अच्छा लगता है, दूसरे क्षण में वही बंदा अच्छा नहीं लगता, तो व्यवहारिक नहीं होते। इस दुनिया में कैसे व्यवहार करना है, इस कलयुग में कैसे व्यवहार करना है, इसकी थोड़ी कमी होती है अगर अष्टम भाव में शुक्र हो। इसके अलावा अगर अशुभ प्रभाव में हो, थोड़ा सा भी शुभ प्रभाव आ जाए तो जीवन में बिना कसूर के इस तरह के कार्य, इस तरह की घटनाएं घटेंगी जिसके कारण आपका अपने जीवन साथी के सामने सिर झुकेगा, यानी शर्मिंदगी महसूस होगी। इसके अलावा शुभ शुक्र अष्टम भाव में हो तो जातक बहुत बड़ा जोशी होता है और जिसको प्यार से आशीर्वाद दे दे, जिसके सिर पर हाथ रख दे तो भाई उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। दिल से जिसको आशीर्वाद दे दे, जिसके अष्टम भाव में शुक्र होता है। इसके अलावा जातक को गिफ्ट्स वगैरह अच्छे मिलते रहते हैं और बुढ़ापा अच्छा गुजरता है जातक का अगर अष्टम भाव में शुक्र हो। शादी के बाद धीरे धीरे समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती रहती है और कुल मिलाकर गृहस्थ जीवन सुखी होता है। अगर भाई शुभ प्रभाव में हो तो कई बार ऐसा होता है कि जातक का जो कमाई का साधन होता है उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, रुकावटें आती हैं और पत्नी के धन के सहारे घर चलता है, जिसके कारण जातक का जो विल पावर है, आत्मविश्वास है, उसमें कमी आती है, कहीं ना कहीं उसे अपमान महसूस होता है। इसी कारण परिवार में भी मान सम्मान में कमी होती है, क्योंकि अगर पैसे होंगे जितने समय तक आप आज एटीएम हो तब तक की लोग आपकी इज्जत करते हैं। तो अगर शुक्र अशुभ हो तो कुछ समय के लिए जीवन में जे वक्त आएगा तो
तो धैर्य से निकाले, ईश्वर के समीप होकर निकाले तो आराम से निकल जाएगा। नहीं तो भाई शुगर वगैरह, डायबिटीज, थायराइड की बीमारियां, ब्लड प्रेशर की बीमारियां, गुप्त रोग, पेशाब के रोग, किडनी के रोग, टेंशन के कारण ये रोग होने का खतरा बना रहेगा। अगले भाव पर चलते हैं। भाग्य भाव यानी नवम भाव में शुक्र विराजमान हो, अगर शुभ हो तो भाई जातक बहुत परोपकारी होता है। कोई जरूरतमंद जातक के पास आ जाए तो कई बार तो ऐसा देखा गया है कि जितने पैसे जेब में होते हैं सभी दे देता है। और 38 वर्ष की आयु से जातक अपने जीवन में बहुत तरक्की करता है, मेहनती होता है जातक, अपनी मेहनत से अपना भाग्य बनाता है। एक बात मैंने देखी है कि नवम भाव में शुक्र हो तो कई बार नशा और शराब इसकी लत लग जाती है और महंगी शराब पीने का जातक दिखावा करता है, तो भाई ये लत छोटी उम्र से खराब संगति के कारण भी देखी गई है। तो जो बच्चे भी ये वीडियो देख रहे हैं या जो माता पिता ये वीडियो देख रहे हैं उनके बच्चों के नवम भाव में शुक्र है, चाहे बेटा है या बेटी है, तो उसको समझाएं कि भाई आपने अपना जीवन खुद जीना है। अगर आपको इस तरह की कोई लत लग जाएगी तो आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा नवम भाव में शुक्र शुभ हो तो जातक का करैक्टर आम तौर पर बहुत उम्दा होता है। जातक कोशिश करता है कि पर पुरुष या पर स्त्री उसके जीवन में एंटर ना हो। जातक भाग्यशाली होता है और शादी के बाद जातक का भाग्य अधिक साथ देता है और जीवन साथी जातक का उसके प्रति श्रद्धा रखेगा, यानी पत्नी पतिव्रता होगी और पति पत्नीव्रता होगा। अगर नवम भाव में शुभ शुभ करो, फॉरेन कंट्री से लाभ प्राप्त होगा। अगर विदेश में कोई कार्य करें या जन्मभूमि से दूर यानी घर से कम 60 किलोमीटर की दूरी पर अगर आप कोई कार्य करें तो वहां आपको बहुत सफलता प्राप्त होगी। तीर्थ यात्रा में भी आपको लाभ होगा, आपके अच्छे कर्म है वो क्रेडिट हो जाएंगे। इसके अलावा एक बात और देखी गई है कि नवम भाव में शुक्र हो अगर आपकी इंटरकास्ट मैरिज होती है तो वो भी आपके लिए बहुत शुभ होती है। दूसरी जाति का विवाह आपके लिए बहुत शुभ होता है। तो अगर शुभ प्रभाव में हो तो शिक्षा में 1-2 साल खराब हो सकते हैं एजुकेशन में, या कई बार ऐसा होता है कि जिस कोर्स में इंटरेस्ट नहीं उस कोर्स में एडमिशन ले ली और बाद में फिर कोर्स चेंज करना पड़ता है जिसके कारण 1 साल खराब हो जाता है। लेकिन अधिक चिंता नहीं करनी, अधिक असर नहीं पड़ेगा आपके जो कैरियर है उस पर। इसके अलावा अगर अशुभ प्रभाव में हो तो नौकरी कीजिए, व्यवसाय मत करना। और गृहस्थ जीवन में जितनी एडजस्टमेंट कर चलेंगे, जितना झुक कर चलेंगे, अपने ईगो को अहंकार को 0 लेवल पर रखेंगे उतनी ही भाई आप तरक्की करेंगे।
दशम भाव में शुक्र विराजमान हो जाए तो भाई जातक 30वें वर्ष से 30 इयर्स ऑफ लाइफ बहुत तरक्की करता है, समाज में इज्जत मान सम्मान लोकप्रियता बढ़नी शुरू हो जाती है। हाँ कई बार खराब दशा अंतर दशा चल रही हो तो टेम्परेरी कुछ समय के लिए डाउनफॉल आ सकता है, वरना 30 साल की उम्र के बाद अधिक डाउनफॉल नहीं आएगा। तो पेशा का भाव है, कैरियर का भाव है दसवां भाव। जातक अपने पेशे में बहुत तरक्की हासिल करेगा अगर शुभ हो शुक्र, और जमीन जायदाद अच्छी होगी, पैसा धन अच्छा होगा, राजनीति से अच्छा लाभ होगा, सरकारी शक्तियां होगी जातक के पास, जा इस तरह लोगों के साथ उठना बैठना होगा जिनके पास बड़ी बड़ी सरकारी शक्तियां हैं, बड़े सरकारी अफसर हैं या बड़े पॉलिटिशियंस हैं। राजनीति के क्षेत्र में अगर आप साम दाम दंड भेद इनका उपयोग करेंगे तो बहुत तरक्की आप हासिल करेंगे। इसके अलावा जो नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं या इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं उनकी कुंडली में भी भाई दसम भाव में शुभ शुक्र देखा गया। ये जो एक्टिंग का क्षेत्र है या आपका म्यूजिक का क्षेत्र है, गाना गाने का क्षेत्र है, गाना लिखने का क्षेत्र है, लोगों को एंटरटेन करने का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी आप बहुत कामयाब होंगे। इसके अलावा आपकी जो जीवन साथी होगा अगर शुक्र शुभ है तो उसकी समाज में बहुत बड़ी छाप होगी, एक बहुत बड़ा नाम होगा। इसके अलावा अपने पेशे के कारण आप जीवन में बहुत धन ऐश्वर्य कमाएंगे। दसम भाव में शुक्र जातक को विनम्र बनाता है, जातक का बातचीत करने का ढंग डिसेंट होता है, बुजुर्गों के साथ बहुत अच्छे ढंग से बात करता है, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेता रहता है। इसके अलावा दसम भाव का शुक्र अगर बुध के प्रभाव में थोड़ा सा आ जाए तो कंप्यूटर के क्षेत्र में डिजाइनिंग के क्षेत्र में जातक का बहुत बड़ा नाम होता है, बहुत बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर और जो साइट्स वगैरह हैक करते हैं या किसी ने आपकी साइट हैक कर ली उसको उससे निकालना है, या मोबाइल फोन्स वगैरह की लोकेशन का अता पता लगाना है, यानी जो काम बहुत क्रिएटिव होते हैं। दसम भाव में शुक्र हो अगर बुध का प्रभाव आ जाए थोड़ा सा तो कंप्यूटर के क्षेत्र में जातक का दिमाग कंप्यूटर जैसा ही होगा, बहुत तरक्की हासिल करेगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के कार्य में भी बहुत तरक्की बहुत धन लाभ हासिल होगा। अगर भाई अशुभ प्रभाव में शुक्र कैरियर के हाउस में आ गया दसवें भाव में तो चरित्र अच्छा रखिए, करैक्टर अच्छा रखिए। एक बात तो आप समझ लीजिए कि शुक्र किसी भी भाव में शुभ हो, अगर आप अपना करैक्टर अच्छा रखेंगे तो शुक्र की आधी अशुभता दूर हो जाएगी। तो चरित्र आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, धार्मिक कार्य कीजिए, ये नहीं कि अगर चार पैसे हैं तभी धार्मिक कार्य कर सकते हैं। बुजुर्गों की सेवा कीजिए, किसी जरूरतमंद को किसी चीज की आवश्यकता है
तो उसको लाकर दे दीजिए। एक क्लाइंट आए दसम भाव में, शुभ शुक्र था, तो थोड़ा कैरियर में सेट नहीं हो पा रहे थे, तो उनके पड़ोस में बुजुर्ग रहते थे जिनके बच्चे विदेश गए हुए थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी बुजुर्गों के पास। तो मैंने कहा कि भाई उनकी सेवा करें, तो जातक ने दिल से सेवा की बिना किसी लालच के। तो उन बुजुर्गों ने जातक को पैसा भी अच्छा दे दिया, अपना घर भी उसके नाम कर गए क्योंकि बच्चे तो सेटल थे। तो जातक भी उनकी बहुत सेवा कर रहा है। तो बुजुर्गों की, जरूरतमंदों की, वृद्ध आश्रम में जो लोग रहते हैं उनकी सेवा वगैरह करें, दुराचारी ना हो, बेईमानी कम से कम करें, तो भाई आपका जो शुक्र है उसकी शुभता में बहुत कमी आ जाएगी। अगले भाव पर चलते हैं, आमदनी के भाव। ग्यारहवें भाव में अगर शुक्र विराजमान हो तो 27वें वर्ष से जो आपकी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, पूर्ण होनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा शुभ हो शुक्र ग्यारहवें भाव में तो आपके जो माता पिता हैं उनका बहुत प्यार होगा आपसे। वैसे तो सभी माता पिता का अपने बच्चों से प्यार होता है, लेकिन आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहनों का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्यार होगा अगर शुभ हो शुक्र। अगर शुभ हो तो विपरीत स्थिति आएगी। ये बहुत ही ध्यान से देखने वाला मामला है ग्यारहवें भाव में। इसके अलावा जो जीवन साथी होगा वो अट्रैक्टिव होगा, सभी अंग वगैरह अट्रैक्टिव होंगे उसके, लेकिन आपकी हर क्षेत्र में मदद करेगा। इसके अलावा आपके प्रति वफादार रहेगा, जो सबसे बड़ी बात है। ग्यारहवें भाव में शुभ शुक्र हो, इतना अट्रैक्टिव होता हुआ आपका जीवन साथी चरित्रवान होगा और आप इस दुनिया के में हर तरह के सुखों का उपयोग करोगे। वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। अगर पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट अपनाएं तो 27वें वर्ष से उसमें भी आपको भाई कामयाबी मिलनी शुरू हो जाएगी। शुभ शुक्र हो तो जातक सच्चे मन से दूसरों का आदर करता है और टेक्निकल होता है, यानी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी, या म्यूजिक का जो स्टूडियो हो गया, जो म्यूजिक की वो करते हैं कि किसी ने गाना गाया उसको आप म्यूजिक देना है, डबिंग वगैरह करते हैं, इस क्षेत्र में बहुत नाम होता है अगर शुक्र शुभ हो ग्यारहवें भाव में। संतान भी समझदार होती है। अगर भाई शुभ हो तो जातक का जो दिमाग होता है शातिर होता है कि किसी का पैसा मैं कैसे निकलवा लूं, किसी से छल कपट मैं कैसे करूं कि मुझे लाभ हो जाए, लेकिन इसका साइड इफेक्ट अधिक होता है, लाभ कम होता है। इसके अलावा अगर ग्यारहवें भाव में शुक्र हो, अगर आपका ब्लड कम हो जाए कभी भी जीवन में तो उसको इग्नोर नहीं करना। एचबी जिसे कहते हैं वो कम हो जाए, उसको इग्नोर नहीं करना, उसका इलाज करवाना है। ये किसी बड़ी बीमारी का भाई संकेत हो सकता है। आगे चलते हैं, आखिरी भाव रह गया, जल्दी से इस पर भी चर्चा, वीडियो लंबा हो रहा है भाई, क्षमा का जातक हूं क्योंकि
जब बातें करने लग जाता हूँ आपसे तो मन में बातें आती रहती हैं, और मेरी ये कोशिश है कि जितनी मुझे नॉलेज है, जितना ज्ञान है, वो मैं आपको दे सकूं। तो 12वें भाव में शुक्र हो। तो वैसे तो जन्म से ही जातक को अधिक प्रॉब्लम नहीं होती, फिर भी जब 43वां वर्ष शुरू होता है जीवन में, उसके बाद लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जो संतुष्टि का लेवल है, वो भाई बढ़ना शुरू हो जाता है। जीवन में सेक्स का सुख चाहने वाला होता है जातक, और पूरण भी होता रहता है। इसके अलावा गैर कानूनी कार्य या अपने घर की राज की बातें किसी को नहीं बताएगा, या जाति का हो, उसके जो जिस घर से आई है, शादी से पहले जिस घर में रहती थी, उस घर की बातें अपने पति को कभी नहीं बताएगी। अगर पुरुष की कुंडली में हो तो वो अपनी राज की बातें अपने पत्नी को कभी नहीं बताएगा। तो भाई ये अच्छी बात है, ये नहीं कि सर ने कहा था कि जीवन साथी राज की बातें नहीं बताएगा तो जीवन साथी से नाराज हो जाओ। कुछ बातों को अगर राज रहने दें तो हमारा जीवन बहुत सुख में चलता है। इसके अलावा जातक का जीवन साथी जातक की बहुत सपोर्ट करेगा, दुख सुख में उसके साथ खड़ा होगा। और 12वें भाव में शुक्र हो, अगर आप नशे का सेवन करने लग गए तो आपको लत लग जाएगी। और एक और बात देखी है, आपको नशा सूट नहीं करेगा, यानी कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके शरीर में, इसलिए नशे से दूर रहे। और आलसी नहीं होना, कोशिश करें कि अगर पुरुष है या स्त्री है तो अपने पैरों पर खड़े हो, तो जीवन में बहुत खुश रहेंगे। चाहे कितना ही पैसा है आपके परिवार के पास, लेकिन खुद की कमाई जब तक नहीं करेंगे तब तक आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। 12वें भाव में शुक्र भाई, जातक अनेक विद्याओं का ज्ञान रखने की कोशिश करता है। हर क्षेत्र में उसकी रुचि होती है, लेकिन हर क्षेत्र में रुचि होने के कारण किसी क्षेत्र में परफेक्ट नहीं होता। साइकोलॉजी में भी रुचि होती है, फिलोसफी में भी होती है, ज्योतिष में भी होती है, तंत्र मंत्र में भी होती है, कई क्षेत्रों में रुचि होती है। वैज्ञानिक भी होते हैं इस तरह के जातक, अगर शुभ शुक्र हो और पंचम भाव भी स्ट्रांग हो। अगर भाई शुभ शुक्र द्वादश भाव में विराजमान हो जाए तो भाग्य के कारण जातक के जीवन में कई परेशानियां आएंगी, यानी कि बिना कसूर की समस्याएं आएंगी। और शुक्र 12वें भाव में हो, अगर बिना कसूर के आपको बदनामी मिलती हो तो दुखी नहीं होना, ये सोचना है कि जो मेरे बुरे कर्म है वो कट रहे हैं। अगर छोटा मोटा अपमान हो जाए तो थोड़ा ढीठ बनना पड़ेगा भाई, अगर शुक्र अशुभ हो 12वें भाव में। तो जितना ढीठ बनोगे उतना आपका जीवन सुखी रहेगा। और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपना जो चरित्र है उसे अच्छा रखें, सेक्स के मामले में इधर उधर मत भटके, या कोई पर पुरुष या पर स्त्री आपको अच्छे लगने लगी तो उसके पीछे पीछे चल पड़े, उस पर सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो गए, अगर शुक्र शुभ हो तो भाई ये आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। तो ये तो मेरा वीडियो था,
कि शुक्र प्रत्येक भाव में क्या चमत्कार दिखाता है और किस उम्र से आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू करता है। मैं फिर वीडियो लंबा होने के कारण आपसे क्षमा का जातक हूँ और आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, बहुत आभारी हूँ आपका। थैंक्स अ लॉट।